जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इंडियन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़, झांसी। सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन आप किसी कार्य से संबंधित बाहर जा सकते हैं एवं जमीनी भूमि वाद विवाद का काम आपका आज निपट सकता है। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को अनायास शुभ धन लाभ के संकेत एवं मानसिक तनाव की स्थिति भी रह सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन घर से परिवार मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को आपको वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क रहने की भी आवश्यकता है और अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत एवं नौकरी या व्यवसाय में आप नया हाथ डालना चाहते हैं तो काम आपका सिद्ध हो सकता है। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नए पद की प्रतिष्ठा, भाग का उदय भी हो सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को अनायास अचानक शुभ धन लाभ के संकेत एवं जमीनी वाद विवाद समाप्त हो सकता है अथवा भूमि से संबंधित कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आप कोई वाहन खरीद सकते हैं अथवा वाहन को व्यवसाय क्षेत्र में ला सकते हैं जो कि आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत एवं पत्नी से, माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन अनायास अचानक अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं एवं आप शनि साढ़े साथी महादशा श्री भगवान हनुमान जी की आराधना करें जो श्रेष्ठ रहेगी। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत हो सकते हैं। व्यापार आपके लिए श्रेष्ठ और मध्यम रहेगा। यदि आप कोई जमीन का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन आप किसी व्यवसाय क्षेत्र में अपने जिला प्रदेश को छोड़ के कहीं जा सकते हैं एवं कोई शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा। घर परिवार वालों से अच्छे आपके संबंध रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी।